नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर शराब के नशे में लोग कई बार बहुत कुछ फायदा उठा लेते हैं। याददाश्त जाने के नाम पर भी लोग कई बार फायदा उठा लेते हैं। नीतीश कुमार फायदा उठा लेने के मास्टर राजनेता हैं। अब जनगणना जातिगत आधार पे हो, इसकी जिद नीतीश कुमार की होने लगी। एजेंडा लालू प्रसाद यादव का था, लेकिन इसे लेकर के उड़ गए नीतीश कुमार। जब परिणाम आया तो जमीन खिसक गई। लालू प्रसाद यादव ताल ठोकने लगे, उनकी जाति तो 14% है, नीतीश की जाति तो 2% के आसपास भी नहीं। फिर नीतीश को क्या हक है यह कहने का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? नीतीश ऐसे भी विधानसभा में उनकी पार्टी की क्षमता नहीं है। तो अब नीतीश के लिए यही भला है कि वो अक्सर भूल जाने की बीमारी का सहारा ले ले। आजकल नीतीश कुमार सब कुछ भूल जा रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री वही हैं। देखिए ना। अच्छा, ये कब की घटना? 22 की घटना है। कब की घटना है बताइए, माइक को बोलिए। कब की घटना है? शुरुआत जो है सबसे सर्वप्रथम है, शुरुआत 23/7 है, सबसे शुरुआत का शुरुआत है 30/3/2023 मैंने 22 3/12/22 इस तरह घटना मेरे साथ हुई सर। रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं बगल बैठे हुए हैं मंत्री। उनको थोड़ी हमको आ रहा है बात को वो है अपर मुख से आपको अपर मुख से हाथ को से लगे हेलो, अरे किशनगंज से आए हुए हैं दिनेश दास, इनका बहुत पहले का घटना है, 21 का बता रहे हैं, लेकिन खंड संख्या तो 2288/22 में और कोई अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में कोई काम नहीं हो रहा है। जब दिखवाइए, अब आपके साथ अधिकारी तो ही है, हाँ, अपर मुख्य सचिव सब है, मिल करके देखिए। नीतीश कुमार कई बार राज्य के गृह मंत्री को बुलावा भेजते हैं, बुलाओ जरा गृह मंत्री को, जबकि 2005 से सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी रहते हैं, फिर वो खुद को बुलावा भेजते हैं। शातिर नीतीश ये नौटंकी कर रहे हैं या उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, उनके साथ खेल हो रहा है? दरअसल उन्हीं की पार्टी में कभी रहे जेडीयू के नेता, सांसद लोकसभा रहे अरुण कुमार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को कुछ न कुछ खाने में दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी याददाश्त जा रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो इस तरह का खेल अक्सर कोई नजदीकी ही करता है। उनका सीधा इशारा ललन सिंह पर है, वही ललन सिंह जिसके लिए राबड़ी देवी अक्सर मजाक ही नहीं कटाक्ष करते हुए कहती रही हैं कि ये ललन सिंह नीतीश कुमार का साला है। अब नीतीश और ललन सिंह की गठजोड़ जोड़ी तो बिहार में बड़ा चर्चित है।
आज माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी करते हैं वो ललन सिंह के इशारे पर करते हैं। पत्रकारों ने पूछ दिया ललन सिंह से कि अरुण कुमार जो आपके मित्र थे 2005 तक आप ही के पार्टी में थे, नीतीश कुमार को बनाने वाले भी हैं। वो अरुण कुमार ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को खाने में कुछ मिला करके दिया जा रहा है जिसके कारण उनकी यादाश्त जा रही है। देखिए ना कैसे भड़क गए ललन सिंह और क्या कुछ कहने लगे अरुण कुमार के बारे में। कुमार ने आप पे आरोप लगाया है, और छोड़िए ना किसी भी आदमी को टूटपुंजी या आदमी की बात का जवाब हम नहीं देते। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। उनको जो मन में आता है बोलते हैं। अरुण कुमार और ललन सिंह के बीच पिछले कई सालों से 36 का आंकड़ा है, तो अरुण कुमार का इशारा साफ तौर पे ललन सिंह की तरफ ही होगा। दोनों स्वजातीय भी हैं तो इसलिए भी टसल इस बात को लेकर के भी है। लेकिन मामला यह है कि आखिर नीतीश कुमार को खाने में मिला करके क्या दिया जा रहा है जिसके कारण उनकी यादाश्त चली जा रही है। नीतीश कुमार अक्सर अपनी यादों की बीमारी को लेकर के परेशान नजर आते हैं। वो कई बार पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर आए बाएं टाएं करने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, अधिकारियों से पूछने लगते हैं। अभी हाल में तो एक सवाल में जब ये कहा गया कि उनकी पार्टी में टूट हो रही है तो वो बगल में पूछने लगे तो तेजस्वी यादव ने ये जवाब दिया कि पत्रकार ये पूछ रहे हैं। तो नीतीश कुमार जैसे तेज तर्रार शातिर नेता की यादाश्त जा रही है या ये नौटंकी कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री बड़ी तेज हो गई है। लालू यादव ने अभी पिछले दिनों ही तो कहा था कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हम नरेंद्र मोदी को ठीक कर देंगे। तो लालू नरेंद्र मोदी को ठीक करने की बात कर रहे थे या नीतीश कुमार को? याद है ना आपको लालू ने क्या कहा था? सभी साथीगण, बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। जी लालू, दरअसल ये बात नीतीश कुमार के बगल में बैठ करके कह रहे थे पटना में, तो नीतीश को ही समझा रहे थे कि अब हम ठीक हो गए हैं, सत्ता कुर्सी खाली कर दो। दरअसल माना जा रहा है कि लालू यादव बहुत जल्दबाजी में हैं, उनकी उम्र ऐसी है कि वो खुद तो कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, और उम्र छोड़िए अब तो लालू यादव को तो कोर्ट ने ऐसा कर दिया कि इस जन्म में वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक लालू किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकते और ना ही कोई चुनाव लड़ सकते हैं। लालू अभी आधी सजा भी पूरी नहीं कर पाए हैं तो अभी उन्हें जेल भी जाना है, लेकिन जेल तो पूरे कुनवे को जाने का भय लालू को सता रहा है। लालू बेल पर चल रहे हैं जिस पे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटा तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती समेत पूरा कुनवा बेल पर है। लालू को इस बात का खौफ सता रहा है कहीं यदि बेटा यदि जेल चला गया तो फिर यह सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए लालू बहुत जल्दबाजी में है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए। और क्या यही जल्दबाजी नीतीश कुमार की यादाश्त को कमजोर कर रहा है? दरअसल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के 4 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हैं और पेरोल पे चल रहे हैं। उसके साथ साथ लालू यादव 2 मामले में बेल पर हैं, एक लैंड फॉर जॉब मामला, एक IRCTC घोटाला। इन दोनों मामले में लालू ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी फंसा लिया हुआ है। तो लालू को लगता है कि उनकी तरह यदि बच्चे भी जेल चले गए, राबड़ी भी जेल चली गई, तो फिर RJD को कौन संभालेगा? परिवारवादी इस पार्टी को सत्ता पर काबिज कैसे रखा जाएगा?
लालू को दरअसल ये लगता है कि तेजस्वी जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। यदि मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाए तो जेल जाने में भी थोड़ा सा लंगोटपन तो किया जा सकता है, ड्रामेबाजी की जा सकती है, बिहार में जातिवाद का उन्माद पैदा किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से पहले यदि हो गया तो कांड हो जाएगा। और नीतीश जल्दबाजी में है कि लालू के बेटे को जल्द से जल्द जेल हो जाए, इसीलिए क्या यादाश्त खो रहे हैं नीतीश कुमार? अब देखिए ना, लगातार नीतीश कुमार को बेइज्जत करते हैं सुधाकर सिंह। पॉलिटिकल मंच से सुधाकर सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी में रह करके, और वो पार्टी में नहीं है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह राज्य के कृषि मंत्री थे और लगातार नीतीश कुमार को जलील करते रहे, पब्लिक मंच पर क्या क्या नहीं कहा। आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का, कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा, कोई दफा लगेगा? अगर कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल कमाना पहनाते अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थूक दीजिएगा उसके मुंह पे चेहरे पे 100 लोग मिलकर के, और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगूठा नहीं दिखा सकते, इसमें कौन दफा लगेगा? वो दफा लगेगा जी। सुधाकर सिंह जलील करते रहे नीतीश कुमार को कि किसी लायक नहीं है, ये नकारा व्यक्ति है, और नीतीश सब कुछ सुनते रहे। सुधाकर सिंह को आज तक आरजेडी से निकाला नहीं गया है, दर्जनों बार उन्होंने अपमानित किया नीतीश को। मामला यहीं तक नहीं है। दरअसल राबड़ी देवी के एक मुंहबोले भाई हैं सुनील सिंह, एमएलसी हैं सुनील सिंह। सुनील सिंह सीधे तौर पे लालू नीतीश कुमार को अपमानित करते हैं और कहते हैं कि ये पलटीबाज हैं, ये फिर से जाकर के मोदी में मिल जाएंगे। झड़प भी होती है नीतीश के साथ उनकी, और वो एक तस्वीर साझा करते हुए बताते हैं कि अमित शाह से मिलता रहा है सुनील सिंह। वो कहते हैं कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो देश के सहकारिता मंत्री हैं, और जरूरत की चीजों में उन्हें हमें मिलना जरूरी होता है, हम इसीलिए अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन आप तो पलटीबाज हैं, ऐसी जलालत रावड़ी के मुंहबोले भाई सुनील कुमार सिंह करते हैं। अब सोचिए, लालू अपने चेले चपाटों से, राबड़ी देवी के मुंहबेली भाइयों से, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से नीतीश कुमार को जलील करवाते हैं कि नीतीश कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, लेकिन नीतीश हैं कि मानने वाले नहीं हैं। नीतीश को पता है कि इस बार यदि सत्ता से गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। दरअसल नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं और उनके ऊपर प्रेशर है कि अब बोल तेजस्वी यादव के लिए ये सरकार ये छोड़ दे सब कुछ। दरअसल तेजस्वी यादव के पक्ष में बिहार में नारा लग रहा है, और ये लगातार कहा जा रहा है, ये नारे लगा रहे तड़पता बिहार, तेजस्वी यादव के लिए तड़पता बिहार। अब इस बैनर को देख लीजिए, ये बैनर आरजेडी के कार्यालय में लगा हुआ है पटना में, ये तेजस्वी यादव के घर पे लगा हुआ है। आरजेडी नेताओं ने कहा है तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार, तो सवाल ये है कि तेजस्वी के लिए कैसा तड़पता बिहार है? आखिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो हैं, तो फिर तड़पता किस लिए है? दरअसल आरजेडी अब प्रेशर दे रही है नीतीश कुमार को कि कुर्सी खाली करो वरना हटा दिए जाओगे। जातिगत जनगणना के बाद यादवों को लग रहा है कि 14% की संख्या होने के बाद भी उसकी हिस्सेदारी सत्ता में नहीं है, और 1.5-2% वाला नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। जब जातिगत जनगणना का नारा ही यही है तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों है? तो ये जनगणना कराना नीतीश कुमार के लिए बहुत भारी पड़ गया। नीतीश अब बहाना भी नहीं बना पा रहे हैं, कहा जा रहा है बिहार में जंगल राज है। एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे के संगठन DSS के प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव के,
राहुल यादव आरएलजेपी के छात्र संगठन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक यादव के साथ देखिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। समझा? अरे तुम मतलब कहाँ पिटोगे भाई? अरे तुम कहाँ पिटाना चाहोगे हमसे लंका होके? बाप रे, हम तो बहुत डरते हैं, हम बहुत डरते हैं। चमड़ी देह पर एक को चमड़ी नहीं छोड़ेंगे तुमको, है ना? जान लो। तो कहाँ पे? देह बर्बाद कर देंगे, याद रखना। तो ठीक है, हम याद रखेंगे। हम डर गए, बहुत डर गए हम। तू डर गया बेटा? तू डरता है? तू डर बेटा हमसे? हाँ, बहुत बहुत डर गए, बहुत डर गए। पत्ता छोड़ देते हैं। तू जानता है कि हम मारते हैं तो कैसा मारते हैं? बड़ा बाप रे बाप, डर गए हम, बहुत डर गए। किसे? कौन चेला से? जो भी चेला है अपने मेरे मार के बारे में पूछ लेना। अच्छा, समझ गया। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। पूछ लेना बेटा तू। ठीक है, एकदम एकदम पूछ लेते हैं, एकदम पूछ लेते हैं। आए? दबाने का, समझ गया बेटा। ठीक है, दम दम डर गए हम, बहुत डर गए। कोई नहीं बचाएगा बेटा तुमको। ना ना, ठीक है बात, हम छोड़ देते हैं, पटना से भाग जाते हैं बाहर विदेश। अरे तू बेटा जहाँ भागना है भागना। अच्छा, बस सपना देखना छोड़ दे। ठीक है, हम छोड़ देते हैं सपना देखना। ठीक है, ठीक है। और कुछ? और नीतीश लाचार है, नीतीश लाचार हैं। जिस जंगल राज के विरोध करते हुए नीतीश कुमार ने अपना वजूद बनाया, उस नीतीश कुमार के राज में जंगल राज है। बिहार में शराबबंदी है और शराब हर जगह उपलब्ध है। नकली शराब में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है और सरकार लाचार है। नीतीश कुमार स्वप्न देख रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का। लालू ने यह भी सपना दिखाया था, लेकिन धीरे से जमीन खींच ली। दरअसल लालू यादव के कारण ही नीतीश की सोनिया दरबार में एंट्री भी हो पाई। बिना लालू के नीतीश की सोनिया दरबार में एंट्री भी नहीं है, और वो नीतीश सपना देख रहे थे संयोजक की। लालू ने सबसे पहले वही संयोजक वाली जमीन खींची। लालू और नीतीश के बीच दांव पेच का गजब का खेल चल रहा है। बार बार लालू नीतीश के घर पहुंच जाते हैं और प्रेशर डालते हैं कि सिंहासन खाली करो, मेरे बेटे की बारी आ गई है। तो क्या बिना लालू प्रसाद यादव के अनुमति के ही आरजेडी मुख्यालय में तेजस्वी के लिए तप तरपता बिहार का नारा लग रहा है, पोस्टर बन लग रहे हैं उसके, तेजस्वी यादव के सरकारी निवास के सामने में ये पोस्टर लग रहे हैं? ये बता रहा है कि नीतीश कुमार अब यादाश्त खुद ब खुद कमजोर करके, ये भूल करके कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बाहर हो जाएं। नीतीश की ऐसी दुर्गति होगी इसकी कल्पना नीतीश ने नहीं की थी, लेकिन हर चालबाजों की अंत होती है। नीतीश कुमार अपने पलटीबाजी के लिए कुख्यात रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बिहार ने एक उम्मीद बांधा था 2005 में, जब नीतीश ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति का भरोसा दिलाया था। नीतीश दरअसल बिहार के केजरीवाल बन गए। नीतीश कुमार ने बिहार की बर्बादी की कहानी लालू यादव से भी घिनौनी लिख दी। बिहार आज बिहार प्रवासी बनने को बिताव है। अब एक से एक मीम्स बन रहे हैं कि बिहार में तमाम जातियां कह रही है कि मेरी संख्या भारी, मेरी संख्या भारी। तो जिसकी कम है वो कह रहा है कि जंगल में शेर एक ही होता है, इसीलिए हम कम हैं, हम जागरूक हैं, इसीलिए हमने बच्चे कम पैदा किए। कोई शेर बन रहा है, कोई सवा शेर बन रहा है, लेकिन बिहार की स्थिति ये है कि बिहार के बच्चे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में लेबर बन करके अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और बिहार में जातिगत जनगणना का उन्माद पाल रहे हैं। ये बदलता बिहार है जो तेजस्वी यादव के लिए तड़पता बिहार है और नीतीश कुमार की यादाश्त को खोता हुआ बिहार है, ताकि इस बिहार को अपनी बर्बादी का कुछ भी याद ना रहे। नीतीश और लालू बिहार को ऐसा नशा दिला रहे हैं जिससे हर याद भूल जाया जाए कि बिहार का एक सुंदर अतीत भी था। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।